स्नैपसीड को ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेने के बाद फोटो सिलेक्ट कर लेंगे, टूल्स पे चलेंगे, ट्यून इमेज, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को कम ज़्यादा कर लेंगे, आप अपने हिसाब से रख लेना, मैं अपने फ़ोटो के हिसाब से रख रहा हूँ। इसको व्यू एडिट्स पे जाके इसको ड्रॉ कर लेंगे। जल्दी जल्दी से कर रहा हूँ, आप ध्यान से कर लेना, नहीं तो आपका फ़ोटो अच्छा नहीं बनेगा। आप जितना टाइम देके ये करोगे उतना ही अच्छा बनेगा। जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ हर जगह, सब जगह कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, सब जगह ठीक कर लेते हैं। जहाँ पर बाहर निकल गया आप भी कर लेना, ये देख ही सकते हैं क्या फ़र्क। उस पे जाने के बाद सिलेक्टिव टूल, पिंपल्स को गायब कर देंगे, छोटे छोटे गड्ढे को सेव कर लेंगे। पोर्ट्रेट पे चलेंगे, आपको जितना स्मूथ चाहिए स्मूथ कर लेना और हो गया। फिर से ये वाले टूल्स पे चलेंगे, ज़्यादा ही डार्क दिख रहा है, इसको ठीक कर डालते हैं। डालने के फेस पे भी आ रहा है ड्रैग, इसको भी ठीक कर डालते हैं, आप भी ठीक कर लेना। फोटो सेव कर डालते हैं, लाइट रूम में ले चलते हैं। इसके बाद एक्सपोजर को अपने मुताबिक से रख लेना, मैं अपने मुताबिक से रख रहा हूँ। कॉन्ट्रास्ट पे चलेंगे, जिसमें ज़्यादा अच्छा रह रहा है वही रखेंगे। हाइलाइट्स को कम कर देंगे, कम ज़्यादा करके देखेंगे, माइनस पे ही ठीक है। शैडो को थोड़ा डालेंगे, वाइट पे चलेंगे, वाइट को कम ज़्यादा करके देखेंगे किस में अच्छा लग रहा है। लक्स को थोड़ा कम कर देंगे, नहीं 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 ज़्यादा कर देंगे, अच्छा नहीं लग रहा था। कलर वाले टूल पे चलेंगे, मिक्स कलर, रेड को कम ज़्यादा कर देंगे, सिचुएशन और लुमिनेंस को हाई ज़्यादा करके दिखेंगे। अब भी कर लेना, मैं जल्दी जल्दी से कर रहा हूँ, अब ध्यान से कर लेना, जिसमें आपका अच्छा आ रहा है वही कर लेना। इसको भी कलर कम ज़्यादा करके देख लेते हैं, सबको देख लेते हैं। अब भी कर लेना, अब टाइम देके करना है, नहीं तो अच्छा वो नहीं बनेगा। ब्लू कलर को भी कर लेते हैं, टी शर्ट पे भी चाहिए, क्या मज़ा कर लेंगे। क्लैरिटी को थोड़ा करेंगे, विग्नेट को थोड़ा करेंगे, ये कम ज़्यादा करके देखेंगे।
कम करके देंगे, फेदर को कम ज़्यादा करके देखेंगे, ज़्यादा ही रहने देते हैं। ग्रीन अमाउंट इसको नहीं चाहिए, ऐसे ही रहने देते हैं। दूसरे वाले पे सर्विंग को थोड़ा डालेंगे, थोड़ा माइनस प्लस टू तक। इसके बाद डिटेल्स को हाई कर देंगे, आप देख ही सकते हैं कैसा आ रहा है। नॉइज रिडक्शन को हाई कर देंगे, नॉइज रिडक्शन टू लगभग 74 पर रखेंगे। डिटेल्स को कलर नॉइज डिटेक्शन को कम ज़्यादा करके रखेंगे। इसको 38, कॉन्ट्रास्ट को 50 रखते हैं, स्मूथ को फुल 100, कर देने के बाद एकदम से साइड में चले जाएंगे, सेंटर वाले स्क्वायर वाले बॉक्स को। आपका जिधर कलर चाहिए आप उधर ये ले लेना। फिर से कलर वाले ऑप्शन पे चलेंगे, कलर और फेस और पीछे का बैकग्राउंड कलर लगभग सेम हो रहा है, इसलिए चेंज कलर डालेंगे। सेव कर लेते हैं पिक को। ओके, आप देख ही सकते हैं पहले ऐसा था, देख ही सकते हैं लाइट रूम में ले आने बाद कैसा हो गया।